नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी पर करें सुपारी का ये उपाय, धन धान्य से भर जाएगी आपकी झोली। दोस्तों सुपारी गणेश जी की प्रिय वस्तु मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार सुपारी को गणेश जी का प्रतीक स्वरूप भी माना जाता है। इसीलिए गणेश जी की प्रतिमा के न होने पर सुपारी को उनकी जगह रखा जा सकता है। ये छोटी सी सुपारी लोगों की जिंदगी बदल सकता है। तो क्या है इसके उपाय, आइए जानते हैं। दोस्तों मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए गणेश चतुर्थी के दिन दाई ओर सूंड वाले गणपति का पूजन करें, साथ ही उन्हें 5 व 7 सुपारी अर्पित करें। ऐसा करने से गजानन प्रसन्न होंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दोस्तों अगर आप कार्य क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं तो गणेश जी के सामने 2 इलायची और 2 सुपारी रखें। अब जब कभी भी इंटरव्यू या किसी खास काम के लिए बाहर जा रहे हो तो भगवान को भेंट की गई ये इलायची और सुपारी अपनी जेब में रख लें। ऐसा करने से आपके काम बन जाएंगे। दोस्तों अगर आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है तो इसे छुटकारा पाने के लिए गणेश जी को 2 लौंग अर्पित करें। अब रोजाना 1 लौंग को अपने मुख में रखकर जय गणेश काटो कलेश मंगल मंत्र का 21 बार जाप करें। ऐसा करने से कलह खत्म हो जाएगी। अगर किसी के घर में बुरी शक्ति का वास है तो इसे दूर करने के लिए गणेश जी की मूर्ति व तस्वीर के सामने एक सुपारी रखें। अब ओम गम गणपते नमः मंत्र का 11 से 21 बार जप करें। अब प्रत्येक मंत्रोच्चार के बाद सुपारी में फूंक मारें। अब इस सुपारी को अपने प्रवेश द्वार पर लाल व पीले कपड़े में बांधकर टांग दें, इससे परेशानी दूर हो जाएगी। दोस्तों बेशुमार दौलत पाने और हमेशा धन बनाए रखने के लिए गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को एक सुपारी, कुछ चावल के दाने और एक श्री यंत्र भेंट करें। अब पूजन के बाद इन चीजों को अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं या शादी करना चाहते हैं तो गणेश चतुर्थी के दिन एक पीले कपड़े में एक सुपारी रखें। अब गणेश जी के साथ सुपारी में भी कुमकुम लगाएं। अब गणपति का ध्यान करें, इसके बाद इसमें थोड़े से चावल छिड़कें, इसके बाद कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या रुपये पैसों की जगह रख दें, इससे धन की वृद्धि होती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की जानकारी कि सुपारी का कैसे करें प्रयोग जिससे धन धान्य से भर जाए आपकी झोली। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिल देंगे एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ या जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।